नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेक द रील शो में आपका बहुत ही स्वागत है। सबसे बड़ा सिंगर कौन है? पवन सिंह या खेसारी लाल? आपको एकदम डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। पवन सिंह बचपन से ही भोजपुरी गाना गाने वाले पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरहिट सिंगर में से एक हैं। इनके गाने सुनने के बाद हर कोई इनकी आवाज़ का दीवाना हो जाता है। पवन सिंह ने 11 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया था। साल 1997 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम ओढ़निया वाली लॉन्च किया था, जो कि बहुत ही शानदार निकला था। और हम लोग खेसारी लाल के यादव के जो बारे में जानने वाले हैं, पूरा डिटेल आपको बताने वाले खेसारी लाल यादव के। देखिए, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार पवन सिंह कहे जाते हैं, जो कि 1997 में पहला एल्बम ओढ़निया वाली लॉन्च किया था। चलिए, खेसारी लाल के बारे में हम लोग आप जान लेते हैं। खेसारी लाल क्या है? खेसारी लाल यादव के गाने भारत बा मौगा ने यूट्यूब पर 313 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। यह खेसारी लाल यादव के कैरियर के सबसे हिट गानों में से एक है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खेसारी लाल यादव के 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि पवन सिंह 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। संपत्ति के मामले में पवन सिंह खेसारी लाल से आगे हैं। देखिए, अगर फॉलोवर की बात किया जाए तो खेसारी लाल का 2.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अभी फिलहाल में मुझे आपको डाटा आंकड़ा के साथ नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा कितना है। और जो पवन सिंह और खेसारी लाल के पुराना डाटा के साथ है दोस्तों, एक साल पहले का डाटा है, 2.6 मिलियन या 2.2 मिलियन फॉलोवर्स है। तो मैं बताना चाहता हूँ, फिर से मैं आपको रिन्यूअल करा दूंगा कितना क्या है। अभी फिलहाल में दोनों ने अपना दबदबा बनाए रखे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी पवन सिंह के देखें चूमा गाना रिलीज हुआ है हाल फिलहाल में, और खेसारी लाल का चूमा चूमा गाना रिलीज हुआ, दोनों ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है। एक पर चल रहा था, एक तीन पर चल रहा था। वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो पर जाकर जरूर देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे साथियों।